सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। टीकाकरण के दौरान एक सिरिंज से करीब 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। मामला सामने आते ही बच्चों के परिवार वाले स्कूल पहुंच गए, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मामले में शिकायत की गई है। शिकायत मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले में लापरवाही बरतने वाले वैक्सीनेटर के खिलाफ गोपालगंज थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सागर के जैन पब्लिक स्कूल में बुधवार को वैक्सीनेशन किया जा रहा था। वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं वैक्सीनेटर ने वैक्सीनेशन के दौरान एक ही सीरेंज से करीब 30 बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। जैसे ही अभिभावकों को मामले की जानकारी लगी तो वह स्कूल पहुंच गए। उन्होंने विरोध करते हुए मामले की शिकायत की। शिकायत मिलते ही CMHO ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एक सीरेंज से वैक्सीन है, 30 बच्चों को एक सीरेंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सीरेंज दी गई। एक ही सीरेंज दी गई? हाँ। किसने दी ये एक सीरेंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सीरेंज से नहीं लगा सकती? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सीरेंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सीरेंज।